बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं वहाँ मोहम्मद नमान गई हूँ। तुसी देखते पाए हो गंदारा हिंदको टीवी। आज दी ताज़ा खबर, मुल्क भारी जाए तरावी उसी ते कल पहला रोज़ा रखा जैसी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा दे बाद जिलियाँ आज पहला रोज़ा रखा गया भी। मरकजी रूए ते हिलाल कमेटी दे ऐलान किया वे कि मुल्क भारी किधरे भी चंद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई, जबकि पिशोर की मसीद कासिम अली खान ने चंद नजर आने का ऐलान कर दिया वे। मस्जिद कासिम अली खान के ऐलान के बाद सूबाई दर हुकूमत पिशोर खैबर नौशहरा मरदान ते चारसदा अज पहला रोज़ा रखा गया वे। दूसरी तरफ वजीर इतला शोकत यूसुफज़ई ने किया वे कि सूबे सरकारी सतह से अज रोज़ा निंगा ते कल बरोज़े मंगल पहला रोज़ा होसी। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत 9 रुपए से ज्यादा इजाफा कर दिया वे, जबकि FBR ने गुजश्ता रात टैक्स रद्दोबदल का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया वे। FBR ने टैक्स रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी करके ECC के फैसलियां ते अमल दरामद शुरू कर दिया वे। पेट्रोल ते सेल्स टैक्स की शरह 2% से वधा के 12% कर दी गई है, जिस नाल पेट्रोल की नवी कीमत 108 रुपए 31 पैसे हो गई है। रमजान मुबारक के आगाज की वजह नाल मुल्क भारी की जेलों सजाए मौत के कैदियों की फांसी ते अमल दरामद रोक दिया गया वे। यह फैसला एहतरामे रमजान ते ईद उल फितर के बायस किया गया वे। फैसले के मुताबिक यकम रमजान से ईद की छुट्टियां तक मुल्क की किसी भी जेल किसी मुजरिम को भी फांसी ना दी जा सी। सदर मुमलिकत 20 अरसे के दौरान किसी मुजरिम की रहम की अपील से कोई हतमी फैसला ना कर सुन। रूस एक मुसाफिर जहाज एक क्रैश लैंडिंग के दौरान अग लग गई, हादसे 2 बच्चियां समेत 13 अफराद हलाक ते मुतादिद जख्मी हो गए। रूसी मीडिया के मुताबिक सनहुई सुपर जेट तैयारे जिस 80 बंदे सवार है मास्को एयरपोर्ट से उड़ने के नाल ही अग लगने से इसनों फौरन इसी एयरपोर्ट से वापस लाया गया। लैंडिंग के दौरान जहाज का पिछला हिस्सा अग की लपेट च आ गया, जिसकी वजह नाल 13 अफराद हलाक हो गए। गंदारे इनको बोर्ड पिशोर ते अंजुमन तरक्की खुआड़ पिशोर के बामी इश्तराक नाल चित्राल से ताल्लुक रखने वाले शायर अदीब ते मुहक्किक शहजादा तनवीर मुल्क की किताब फनून लतीफ़ और चित्राल की तकरीब पजीराई का इनेकाद किया गया। तकरीब गंदारे इनको अकेडमी के अहमद अली साई आडिटोरियम में मुनक़िद हुई, जिसकी सदारत साबिक चेयरमैन शोबे जोग्राफिया पिशावर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर इसरारुद्दीन ने की थी, जबकि मेहमान खसूसी गंदारे इनको बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जियाउद्दीन है। तकरीब इस गंदारा इनको बोर्ड के वाइस चेयरमैन डॉक्टर सलाहुद्दीन, अंजुमन तरक्के ख्वाल के सरपरस्त आला काजी इनायत जलील, अंजुमन तरक्के ख्वाल के सदर मेहरबान इलाही हनफी समेत चित्राल दी अदबी और समाजी तंजीमा नाल ताल्लुक रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद शिरकत की थी। मुकर्ररीन ने इजहार ख्याल करते हुए किया कि फनून लतीफ़ और चित्राल की किताब आने वाली नस्लों में से एक कीमती असासा वे, किताब की तहकीक के सारे तकाजे पूरे किए गए हुन ते हर मौजूद इस दी तारीख ते पसे मंजर नु इंतहाई खूबसूरती नाल बयान किया गया वे। किताब इक मुसन्निफ ने 250 फनकारां दा तारुफ करके उन्हां नु जिंदा और जावेद कर दिता वे। जनूबी अफ्रीका ते पाकिस्तान दे दरमियान तरीमतां दे वन डे सीरीज दा आगाज अज होंदा पिया वे। पाकिस्तानी तरीमतां टीम ने ICC चैंपियनशिप इच 5वीं पोजीशन ते निगाहां जमाईयां होईयां हुन। सरदस्त ICC तरीमता चैंपियनशिप में जनूबी अफ्रीका 13 पॉइंट्स के नाल 5वें, जबकि पाकिस्तान 12 पॉइंट्स के नाल 6वें नंबर पर है। 8 टीम इस चैंपियनशिप में मेजबान न्यूजीलैंड ते बाकी 4 टीम ICC तरीमता वर्ल्ड कप 2021 में बराह रास्त एंट्री वास्ते तैयार हैं। मारूफ अदाकारा ते टेलीविजन मेजबान सनम बलोच ने रमजान ट्रांसमिशन करने के मुताबिक झूठी खबरों की तरदीद कर दी है। सनम बलोच ने एक वीडियो के जरिए तरदीद करते हुए किया वे कि इस बार कोई भी रमजान ट्रांसमिशन नहीं करनी पई। कुछ चैनल के दोस्तों की तरफ से फोन आदि पे मैं किसी चैनल की ट्रांसमिशन कर नहीं पई, जिससे मनु हैरानगी है। सनम ने किया वे कि मैंने किसी चैनल के नाल वाबस्ता वहाँ तो ना ही मैंने किसी चैनल नाल मुआयदा किया है। वो मैं उनको बताना चाह रही थी कि नहीं मैं कोई ट्रांसमिशन नहीं करी इस बार, और मैंने इस बार सोचा कि मैं एक ब्रेक लूँ, लेकिन कई जगह से मुझे कॉल्स आई कई ब्रांड्स की तरफ से कई चैनल्स की तरफ से कि हमने सुना है कि आप किसी चैनल के साथ कमिटेड हैं और किसी एजेंसी के थ्रू आप किसी चैनल पे ट्रांसमिशन कर रही हैं। तो मैं ज़रा शॉक में आई एंड कि नहीं, मैं तो किसी के साथ ना कमिटेड हूँ ना मैंने कमिटमेंट की है, और ऐसा भी नहीं है कि कमिटमेंट करके मैं कोई बैकआउट कर रही हूँ। तो पहले दिन से मेरी किसी चैनल
मैं किसी एजेंसी से किसी भी तरह की कोई भी ट्रांसमिशन लाइक रमज़ान ट्रांसमिशन की या किसी भी ट्रांसमिशन की कोई कमिटमेंट नहीं थी। तो अगर अब कोई बोले कि जी सनम की कमिटमेंट थी और उसने बैकआउट किया और कोई बोले कि जी इसने डिच किया तो गलत बयानी होगी। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि किसी भी चैनल को और एजेंसी को इस तरह की हरकत जो है नहीं करनी चाहिए और बहुत गलत हरकत है। इस दिन आ लिया खबर ख़त्म हुई नवी खबर हाजिर हुई अल्लाह हाफिज। आओ इनको सीखने ई गेम एंड्रॉइड प्ले स्टोर से आसानी डाउनलोड की जा सकती है। प्ले स्टोर रिसर्च बार से किड्स इनको लर्नर इंस्टॉल करो ते अपने बच्चे इनको सिखाओ।